प्यारे व्यूअर, पहली वीडियो वो अपलोड हो चुकी है और पब्लिक भी हो चुकी है। देखते हैं कि वहां पर जो हमारा नसीब होगा वो आ जाएगा। फिर इसके बाद अभी जा रहे हैं वकार अहमद के बाल बनवाने हैं, क्योंकि कल सोमवार है, फिर उसने स्कूल जाना है, तो उसके लिए फिर मसला होगा। इसलिए अभी चलते हैं सीधा सीधा नई के पास। ओके, और इधर जी मेरा छोटा शहजादा। वाजीवा वाजीवा, क्या खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो? खेलो खेलो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी होंगे ऐसे मुस्कुराते होंगे, उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मन सुकून के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा दूसरा व्लॉग है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बिना टाइम वेस्ट किया जाता अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, हुक्म करो, कहाँ जाना है? दुकान पर। वहाँ क्या करना है? बाल बनवाने। अच्छा, बाल तुम्हारे वैसे सोने तो लग रहे हैं, या टीचर ने कहा है? चलो जी, फिर चलो दरवाजा ओपन करो। चलो जा रहे हैं दुकान पर बाल कटवाने। अभी जा रहे हैं हम बाल कटवाने और उधर जाए और बाल कटवा कर आ जाते हैं। उधर जाए बच्चे लोग कह रहे हैं हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। वो देखो ये दुकान के हम जिस पे हम और चीज लेते हैं। उधर देखो बजरी लोड कर रहे हैं। ये देखो दुकानदार कपड़े वाला बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, इधर आए थे, ये दुकान होती थी, वो देखें ऊपर लिखा भी है हक बाहु हेयर ड्रेसर, तो इधर ये है नहीं, तो पता चला कि यह स्टेशन पे चला गया। अभी चलते हैं उस दूसरी गली में, वहाँ से जाना है, वहाँ आगे भी एक नई बैठा है, उसके पास चलते हैं। चलें वकार। हैं चलो फिर आ जाओ, इधर इधर आओ इधर, तो इधर चलते हैं। बाइक ले, मैंने सोचा कि यहाँ पर ये बैठा होगा ये, मगर है नहीं, तो आप ही पैदल ही चल रहे हैं। इस साइड पे ना तकरीबन बहुत दूर दुकान है, बहुत दूर। अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वापस भी आ जाएंगे। ऐसे दुकान पे जो है ना पहुँच चुके हैं। ये देखें चारों तरफ आईने ही आईने नज़र आएंगे। और इधर वकार अहमद को बनाते हैं हीरो। वकार अहमद हीरो बनना है, है? हीरो बनना है। माशाल्लाह जी, वकार अहमद की बारी आ चुकी है और अभी मुस्कुरा भी रहा है। माशाल्लाह, हीरो बन रहे हो? हीरो बनना है या ऐसे सादे मादा हीरो? जी वाह, तो प्यारे भी बार इसने हीरो बनना है, इसको जनाब हीरो बनाना है। अब हमें नहीं पता कि हीरो कैसे बनते हैं, आपने ही बनाना है। मतलब ये साइडें निकाल दें पीछे से भी, और वो जो VIP कटिंग सिखा दें कि आगे से भी छोटे छोटे हो जाए। सही है, ठीक है। ओके जी, स्कूल वाले आप बना देना, जो माहौल होता है स्कूल वाला। तो हीरो बनते बनते ना अंधेरा हो गया है, लेकिन अब तक अभी तक सेट नहीं हो रहा है ये, आज इसका माइंड कुछ। शाबाश शाबाश, गर्दन इधर उधर नहीं करनी, सही है, अब हिलाओ भी नहीं। हाँ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वकार अहमद हीरो बन चुका है। बस इसकी ना थोड़ी पफ बनानी है, ये पफ बना लें, उसके बाद ये अपना चेहरा दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा, अब स्कूली मुंडा लग रहा है। ए वाल चिमड़े रहे उसने, घर बन कपड़े चेंज कर देना, धावण का टाइम क्या नहीं। चलो और तो देखा, खैर जिंदाबाद। अब अच्छे लग रहे हो, शीशे में देखा है? कहाँ देखा है, नजर आते हो? नहीं आते ना, वो उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। अब देखो इधर इधर देखो आप, हाँ नजर आता है, आप सामने देखो उधर, हाँ सही लग रहे हो। ओके है, अब पैसे दें या ना दें? दें। ओके जी, प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यहाँ पर काम वगैरह आए थे वो हो चुका है जबरदस्त करके। चलो वकार, चलो चलें अभी किराना पे चलते हैं, वहाँ से भी कोई काम वगैरह है तो वो करते हैं। ठीक है भाई, मेहरबानी, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। वो 3 डब्बे जूस के, अच्छा, और एक पैम्पर, अच्छा, बाकी बताता हूँ। प्यारे व्यूअर, इधर पहुँच गए हैं बाबा जी के पास, और इधर से लेते हैं जूस के 2 डब्बे जी। एक और दुकान पे पहुंच गए हैं, तीसरी दुकान पे। यार जूस तो दे दे, जूस
ब्याह केड़ा है वो जड़ा पीना रहे ओ डेड़े एक हां अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए हैं। वो बिल्ला जा रहा है और ये देखें यहाँ पर फुल बटा फुल लाइटें और हमारे घर में भी लाइट है। तो ये देखें जी अपने घर में इंटर हो चुके हैं और बाकी का माहौल आप देखें नाइट में कुछ यूं ही लगता है रोशन रोशन, दिन में भी ऐसे रात में भी ऐसे नो टेंशन सही है ना। तो नाइट वाला माहौल आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट में जरूर बताना है। और उधर सिद्दीक भी बैठा है अंधेरे में बैठे हैं। आ जाओ सिद्दीक आ जाओ। माशाल्लाह जगह वगैरह बना दी गई है ताकि इजीली बैठ जाएं और सो सकें। और ये मेरी चेयर यहाँ पर बैठकर वैसे मैं काम वगैरह करता रहता हूँ। रात का ना सुकून ही अलग होता है यकीन करें बहुत मजा आता है। अभी खाना बन रहा है खाना खाते हैं खाना खाने के बाद जो भी बात होगी वो फिर बाद में करेंगे। इसको देखें इसने स्टार्ट भी कर दिया। आखिर हो गए हो क्यों ये क्या खाया है खुशी चेक करें इसकी खुशी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ ऊपर करो ऊपर ऊपर हाँ एक मिनट और देख चला गया यार उसको भी दो थोड़ा सा। ये क्या खाया है आपने हाँ अब सही है चलो दो इसे आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ मजे का है वाह जी वाह खत्म। अच्छा अब ये उसे दे दो बस वो खेलता रहेगा। प्यारे व्यूअर ये देखें पकोड़े आए हैं भाइयों के घर से पता नहीं किसके घर से है मुझे ये नहीं पता। तो इसको खाते हैं ये आलू वाला है ये लो पहले हाथ से लो ये लो हाँ जी आप खाओ और ये लो आप भी खाओ और ये लो मोहिद्दीन आप भी खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू वाले पकौड़े हैं जी हैं तो इतने बस इतने से बचे हैं अगर आपने खाने हो तो आ जाओ। एवन और कैमरामैन ये लो ये आपके नहीं एक मिनट ये भी मेरा ये लो ये आपके। नाइट का माहौल आपने देख लिया जी ये देखें ये भी खा रहा है आप भी खा रहे हो पकौड़े कैसे हैं मजे हैं हाँ जी। अच्छा सिद्दीक पकौड़े कैसे हैं अच्छे हैं डांस मार रहा है जी। तो अभी लाइट मौजूद है चार्ज पे लगा देते हैं बैटरी बहुत कम है और तब तक ये चार्ज हो जाएगा फिर खाना भी तैयार हो जाएगा फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। ओके बेस्ट ऑफ लक। प्यारे व्यूअर ये देखें हमारे पास खाना वगैरह आ चुका है रात का खाना और ये देखें मेरा बेटा है छोटू मोटू और इधर देखें जी ये है पराठा गोभी वाला क्योंकि दो छोटे छोटे ना वो पेड़ जो होते हैं वो बच गए थे उसके ऊपर नीचे करके उसमें गोभी ऐड करके फिर हमने पराठा बना लिया है। आपने अगर किसी ने खाना हो तो वो आ जाओ। हाँ आपने खाना है क्या खाओगे पराठा नहीं क्या खाओगे पराठा पराठा चेक करें जी ये खाएगा पराठा आप क्या खाओगे पराठा आप ही पराठा खाओगे नाइट में पराठा वाह जी वाह। तो आपको बिस्मिल्लाह आती है हैं पराठा अच्छा जी। तो अजाने भी हो रही हैं खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मुलाकात होती है जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और आज का जो मेरा वीडियो का एंड है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। ओके जिस किसी ने खाना हो फौरन आ जाओ। तो रात मैंने आपको बताया था एक इशारे में कुछ बातें की थी मुझे पता है व्लॉग फैमिली व्लॉग मतलब फैमिली वाले ही देखते हैं मैंने कोई उलट बात नहीं की थी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैंने आपको बताया था उधर देख मैंने आपको बताया था कि हजार नमाजें सुन दे इसको मैं ऐसे ही रोज सुलाता हूँ ये अभी बोल रहा है कि पहले मुझे सुलाओ उसके ये देख अच्छा सुलाता हूँ चलो 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 अल्लाह जी हमारी ये रूटीन है इसको मैं ही सुलाता हूँ अभी हंसता है देखें
तो फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद, इसको मैं सुना लूं। तो प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गया हूँ बिल्कुल, और बच्चा भी अभी बस नींद उसे आने ही वाली है, अभी तक आई नहीं है। तो आपको पता है खाना वाना खा के हमारी जो रूटीन है, हम यहाँ पर आ ही जाते हैं और अपने बिस्तर पर फिर सोना ही पड़ता है इंसान को। नींद भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, सुकून भी ज़रूरी है, परेशानी भी ज़रूरी है, दुख भी ज़रूरी है और सुख भी ज़रूरी है। हर तरह से ना इंसान की लाइफ जो जिंदगी है ना, ये तो चलती ही रहेगी, मतलब दुखों में सुखों में, शादी गम में, हर किस्म का जो ये ट्रेंड है ये चलता रहेगा पूरी दुनिया में। तो रात मैंने आपसे एक बात की थी, इशारे इशारे में कुछ बोला था आपको, तो वो ये था कि मैंने आपको ये बताया था कि कुछ नमाजी हो, हज़ार नमाजी हो, या फिर सारे लोग कपड़े पहने, वो एक ने पैंट शर्ट पहनी हुई हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है निभाना। तो असल बात शायद आपको समझ नहीं है, मैं अपनी फैमिली चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी समझने में, और समझने वाले तो शायद इसी बात पर ही समझ चुके होंगे कि अहमद भाई अपनी फैमिली के साथ, अकरम भाई फैमिली के साथ, असलम भाई फैमिली के साथ, असगर भाई फैमिली के साथ, इसके बाद जी गुलाम बस भाई फैमिली के साथ, अफजल भाई आप फैमिली के साथ, मोहसिन सईद फैमिली के साथ, कौसर इरफान फैमिली के साथ, सोबिया फरमान फैमिली के साथ, और इधर हमारे न्यू और चैनल है जिसमें जाहिद है वो भी फैमिली के साथ, खलील है वो भी फैमिली के साथ, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे इर्द गिर्द के ना, वो सारे के सारे फैमिली के साथ वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, अब ये देखें कि मैं आपके सामने जाता हूँ, इधर से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, अम्मी के पास भी जाता हूँ, अहमद भाई के पास जाता हूँ और असगर भाई वालों के पास जाता हूँ। अब हर टाइम बंदा उसी मूड में तो नहीं बैठा होता ना कि मैं जाऊँगा मुझसे बातचीत अच्छे से कर लेंगे, या कोई मसला कोई परेशानी होती है बंदे को जहनी तौर पर, वो उनके घर का मामला है, मेरा घर इस साइड पे है, उनका दूसरी साइड पे है, अब मैं नहीं जानता कि उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मसला बनता है मैं जब जाता हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाने कभी कभी। और एक बार तो उन्होंने बोल भी दिया था कि आप अपने घर वाले को नहीं लाते तो हमारी घर वालों की वीडियो क्यों बनाते हो। तो इसका मैंने एक हल ढूंढा है, यूं समझें कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं छोटी सी गुजारिश करता जाऊं आपको, मैं आज ही अपना एक मेरा चैनल है दूसरा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपने उस लिंक के जरिए जाना है, मुझे सिर्फ वहां पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आप चाहे वीडियो देखें ना देखें, अभी उस पर ना फ्री कॉपीराइट म्यूजिक पड़े हैं, बस वो उस पर मैंने दोबारा से काम स्टार्ट करना है, और उस पर मैं जो काम करने वाला हूँ वो मैं करूँगा लोगों के इंटरव्यू, वो भी मैं सोच रहा हूँ। दो चीज़ें हैं मेरे जहन में, एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू करूँ, आवाम की राय लूँ मुल्क की हालात के बारे में, और कोई मशहूर बंदा हो जाता है उसका इंटरव्यू करूँ, कोई छोटे कद वाला है, कोई बड़े कद वाला है, ऐसे ही ट्रेंड मतलब जैसे चलते हैं लोग इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, ये करूं। या एक और मेरे जहन में आता है कि बिजनेस आइडियाज पर, मतलब छोटे छोटे जो कारोबार लोग कर रहे हैं उनसे जाकर पूछूं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी और इससे कितना नफा किया जा सकता है, इस शोबे से इंटरव्यू करूं। ये दो ऑप्शन है अभी तक मैं सोच रहा हूं, तो आपने राय जरूर देनी है कि मैं कौन से ऑप्शन पे काम स्टार्ट करूं। इससे दो फायदे होंगे, पहला फायदा ये होगा कि मुझे रोज का ना एक टॉपिक मिलेगा, मैं घर से तैयारी करूंगा, मैं मोबाइल लूंगा, अपनी स्टैंड लूंगा, मैक लूंगा, उसके साथ मैं जाऊंगा, फिर वीडियोस बनाता जाऊंगा अपने इस चैनल के लिए, वो वीडियो बनाता जाऊं जहां पर मैंने जाना होगा, जिससे मैंने इंटरव्यू करना होगा उससे भी बातचीत हो जाएगी, वापसी पर कोई चीज खरीदनी है, कोई कुछ करना है, वो भी सारा आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो एक तो ये मेरा टॉपिक बन जाएगा, दूसरा मेरा माइंड फ्रेश रहेगा कि मैं जाऊंगा बाहर, हर तरह के लोगों से बातें करूंगा, उनसे फनी बातें होंगी, हंसी मजाक होगी, तो भी मेरा जहन बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसके बाद ये होगा कि वो मेरा चैनल फैमिली से हट कर होगा, मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि यार आपकी वाइफ नहीं है, या मतलब अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो मेरे चैनल चलेगा वरना नहीं चलेगा, तो इन चीजों से वो हट कर होगा। तो उधर मैंने जाकर बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है, और इस चैनल पर भी आप यकीन नहीं करेंगे, कसम से मैं हर रोज रात को जब भी सोता हूँ यही सोचता हूँ कि मैं ये चैनल बंद कर दूं, और क्योंकि अब ये देखें मैं अकेला अगर कोई चीज बनाता हूँ वो अलग चीज है, मैं घर पे हूँ, मैंने अम्मी के पास जाना, अब्बू के पास जाना और भाइयों के पास जाना, वीडियो के टाइम तो बनाना है, जाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे हट कर बनाऊं, और ये जब नहीं देते, सही रिस्पांस नहीं मिलता मुझे, तो मेरा दिल करता है कि मैं ये चैनल बंद कर दूं।
और कई बार सोचा है, फिर आप लोगों की कसम से, आप लोगों जो मोहब्बत है ना, जो आप मुझे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ना मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं यार, जिंदगी का हिस्सा है, रोज बना रहा हूँ तो ऐसा ऐसा करके बनाता रहूँ, डालता रहूँ, तो ये भी सही रहेगा। तो इसलिए ना रोज छोड़ता हूँ चैनल को, रोज वीडियो अपलोड कर देता हूँ, रोज छोड़ता हूँ, रोज अपलोड कर देता हूँ। सिर्फ आपकी मोहब्बत ने मुझे इस चैनल पे रोका हुआ है, वरना मैं ये चैनल कब का बंद कर चुका होता। तो मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इतनी से गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, वहां पर फ्री कॉपीराइट म्यूजिक पड़े हैं और वो उसका नाम भी एम मुहैयुद्दीन है और उस पर सिद्दीक की पिक्चर लगी हुई है। तो लिंक के जरिए जो बंदा जाता है डायरेक्टली चैनल पर ही पहुंच जाता है। तो आपने चाहे वीडियो देखें या ना देखें, आपने सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर देना है और प्लीज जो जो इधर से जाकर सब्सक्राइब करे उसने कमेंट जरूर करना है कि हमने जी सब्सक्राइब कर दिया है या ओके हो गया या कोई भी चीज या कोई भी अच्छा सा कॉमेंट कर दे। नाम तो मैं जानता हूँ, जो भी मेरे यहाँ पर देखने वाले हैं मैं सबके नाम जानता हूँ कि हाँ ये मेरे पास आता है, इधर कॉमेंट करता है, रोज मेरी वीडियो देखता है। तो बातें बहुत ज्यादा हो गई है, तो मसला सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं कि मैं इन चीजों से, इस फील्ड से बाहर निकल जाऊं, कोई अलग करूं। और कारोबार का जो है ना वो भी मैंने सोचा हुआ है, मैं शादी पे जाऊंगा इंशाल्लाह अलीपुर, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा काम करना है और बहुत जल्द आपके सामने एक कारोबार भी मैं स्टार्ट करूंगा। ये मेरा, मैंने जो ये जो सोचा हुआ है ये आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। और इसके साथ वो इंटरव्यू के लिए जो दो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें से आपने जरूर बताना है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं और मैं उस पर काम स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आप दिन भी माशाल्लाह अच्छे हो गए हैं, सर्दी भी नहीं है बहुत ज्यादा और दिन मतलब कुछ बड़े हो गए हैं, तो टाइम भी फ्री होता है मेरे पास, वो भी मैं काम इंशाल्लाह स्टार्ट दूसरे चैनल पर अब मैं इजीली काम कर सकता हूं। तो आपकी मोहब्बत का बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिस तरह से आपने इस चैनल पर मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है, वो बस वो ये होगा कि उधर जो मेरे ऑडियंस आएंगे वो वही होंगे जो कि मतलब उस फील्ड के हिसाब से, रोज का न्यू टॉपिक भी होगा और सच्चाई भी होगी। हाँ यार ये बात सच्ची है, ठीक है, ना कोई झूठ, ना कोई ड्रामा, ना फैमिली मैटर, ना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उस चैनल पर काम करूं। तो आपने राय जरूर देनी है और प्लीज फिर कह रहा हूं कि आप वहां लिंक के जरिए जाएं और वहां पर मुझे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वैसे व्हाट टाइम इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, मैं ताकि जब सब्सक्राइबर जाएंगे तो इंशाल्लाह व्हाट टाइम भी साफ जाहिर है वीडियो को देखेंगे तो बन जाएगा। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस चैनल पर भी मैं काम इंशाल्लाह करता रहूंगा। ये है कि उसकी एक वीडियो डालूंगा तो वो अच्छी होगी, एक होगी लेकिन अच्छी होगी, सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटे छोटे क्लिप होंगे जो मैं अपने सारे दिन का जो भी काम करूंगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जैसे मैं पहले करता था डेली रात को ना एक वीडियो में डालता था। सो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा, आज का जो मेरा व्लॉग है यूं समझ लें यहीं पर ही उसका एंड हो रहा है, मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।